जालौर के भीनमाल में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बीजेपी पर हमला बोलती नजर आईं। उन्होंने कहा है कि मोदी जी महंगाई और आम आदमी की समस्या पर बात नहीं करते, जबकि सीधी सीधी समस्याएं हैं महंगाई और बेरोजगारी, लेकिन इन पर कोई बात ही नहीं की जाती। आज महंगाई पिछले 45 सालों में सबसे ज्यादा है। मोदी जी की 10 सालों की बदौलत आज कह रहे हैं कि सिलेंडर 400 में भरवाएंगे, लेकिन पिछले 10 सालों से आखिर कहां था। तो अपने भाषण में कह डालें कि आपके जन जन के आराध्य बाबा रामदेव साहब, उनका जन्म कश्मीर में हुआ। कभी वो अपनी झूठी वीरता दिखाते हैं, कभी शेखी मारनी होती है। महंगाई है, मुझे लगता है कि कुछ हो गया है, मोदी जी को समझ नहीं पा रहे हैं। क्या होता है ना, कई बार इतनी सत्ता हो जाती है कि लोग सच्चाई बताते ही नहीं है, घिर जाता है इंसान, चाहे उसकी संघर्ष की कुछ भी उसका अनुभव होता है। लेकिन जब सत्ता इतनी हो जाती है, लोग डरते हैं, अधिकारी डरते हैं, जो साथ में काम करते हैं वो डरते हैं कि असलियत ना बताएं, तो वो इंसान कट जाता है जनता से। और मुझे सचमुच लगता है कि मोदी जी कट चुके हैं देश की जनता से। कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, जब आपकी समस्याएं सीधी सीधी महंगाई बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्याएं। 10 सालों में आप बताइए मुझे, महंगाई घटी है, बेरोजगारी बढ़ी है कि नहीं? बढ़ी है ना। आपको मालूम है बहनों, आज 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी ये देश देख रहा है। किसकी बदौलत? मोदी जी की 10 साल की सरकार रही है। आज कह रहे हैं कि सिलेंडर को 400 में बिकवाएंगे, तो पिछले इतने सालों से 1200 में क्यों खरीद रहा है? मेरी बहने सिलेंडर भर नहीं पा रही थी, तब कहा थे मोदी जी, चुनाव नहीं था ना बहने, इसलिए चुनाव नहीं था। अब चुनाव आ रहा है तो सिलेंडर का दाम घट रहा है, चुनाव आ रहा है तो महंगाई घटाने की कोशिश हो रही है, नहीं तो अब तक पेट्रोल डीजल के दाम क्या थे। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।